हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव ने लिया जिले में बाढ़ से निपटने, वृक्षारोपण सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा। सीडीओ ने कहा सभी तैयारियां हैं पूरी। गैंगस्टर में वांछित 10 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा अपना क्षेत्र बदल कर देते थे आपराधिक घटना को अंजाम। जिले में शौचालय निर्माण का लक्ष्य 85% पूरा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ ने कहा निर्धारित समय सीमा से पहले जिला होगा ओडीएफ। पूर्वा थाना क्षेत्र में चचेरे भाई द्वारा गोली मारकर की गई हत्या के आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से हैं दूर। एसएसपी ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। सेंट एंड्रूज कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल, कहा कार्यवाही तक जारी रहेगा आंदोलन। डीजल के दाम को घटाने सहित कुल 5 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन। गोरखपुर में लगभग 7,000 ट्रकों में नहीं होगा लोडिंग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने सेंट एंड्रूज कॉलेज के प्रचार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग। एसएसपी ने कहा दोनों पक्षों की जांच के बाद की जाएगी उचित कार्रवाई। इंदिरा नगर मोहल्ले के रास्ते को बंद करने के विरोध में सैंतवार मल महासभा ने नगर निगम पार्क में दिया धरना, किया विरोध। बकाया मानदेय की भुगतान और सेवा बहाली की मांग को लेकर प्रेरकों ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। प्लास्टिक विक्रेताओं ने गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन का किया गठन। प्लास्टिक के स्टोर माल को खपत किए जाने तक प्रदेश सरकार से बंदी पर मांगा वक्त। 30 रेल कर्मियों का एक दल फूलों की घाटी, हेमकुंड साहब एवं बद्रीनाथ के ट्रैकिंग हेतु हुआ रवाना। महाप्रबंधक एवं संरक्षक पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ राजीव अग्रवाल ने ट्रैकिंग दल को दी अपनी शुभकामनाएं। स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले का समर्थकों ने किया निंदा, धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। जिला फुटबॉल लीग में फुटबॉल एकेडमी गोरखपुर ने सौराष्ट्र स्पोर्टिंग को 2-0 से और फुटबॉल क्लब गोरखपुर ने टाउन क्लब मासगांव को 1-0 से दी मात। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मनाया अपना 111वां स्थापना समारोह, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम।